विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते आजकल स्कूल लंबे अरसे से बंद पड़े हैं और शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जा रही है। लेकिन हमीरपुर जिला में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन मुहैया करवाने में असमर्थ हैं। हमीरपुर जिला के जौड़ेम स्कूल के प्रधानाचार्य देवेंद्र ठाकुर ने अपने स्कूल के ऐसे 6 छात्रों का चयन किया जिन्हें अपनी पॉकेट से खरीद कर मोबाइल फोन उपलब्ध करवाए हैं ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। प्रधानाचार्य की इस कदम को स्थानीय लोगों ने भी जमकर सराहा है। जौड़ेम स्कूल के प्रधानाचार्य देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि ऐसे स्कूल के 6 छात्रों का चयन किया जो पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन मोबाइल न होने की वजह से वे अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ रह रहे थे। तो उन्होंने छात्रों को अपनी जेब से एंड्रॉइड मोबाइल खरीद कर उपलब्ध करवाए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई पीछे ना रहे। स्कूल में जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के कारण जो है वो स्कूल बंद पड़े हैं और हमारी जो सारी शिक्षा है वो ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो एक मोबाइल फ़ोन का होना जो बहुत ज़रूरी है। जब हमने पिछले दिनों में ये अभी EPTM भी हुआ था, वहाँ से भी हमारे पास कुछ डाटा आया था, कुछ हमारे स्कूल के जो बच्चे जो होनहार थे लेकिन वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो घर में 2 या 3 और भाई बहन होने के कारण जो है वो आपस में जो वो शेयरिंग कर रहे थे मोबाइल्स की, तो वो पूरी क्लासेज जो है वो अटेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाइम टेबल जो है वो क्लैश कर रहा था। तो इस वजह से उन बच्चों की जो है वो पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और जिन बच्चों को हमने चयन किया है उनकी घर की आर्थिक स्थिति जो है वो भी ठीक नहीं थी कि वो हर एक बच्चे के लिए जो एक मोबाइल जो है वो प्रोवाइड कर सकते, और बच्चे जो हैं वो मेधावी भी थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, तो हम ये चाहते थे कि उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। तो अध्यापक साथियों के सहयोग से इन 6 बच्चों का जो इनका जो वो चयन जो है वो। वहीं स्कूल की छात्रा राधिका ठाकुर ने मोबाइल फोन प्राप्त करने पर खुशी जाहिर की और प्रधानाचार्य का आभार प्रकट किया है। राधिका की माने तो उन्होंने कहा कि फोन लेने में दिक्कत पेश आ रही थी, तो इसके बारे में प्रधानाचार्य को पता लगा, जिस पर अब मोबाइल फोन मिलने से पढ़ाई सुचारू ढंग से आगे बढ़ पाएगी। मेरा नाम राधिका ठाकुर है, मैं GS चौड़ेम से एक स्कूल में पढ़ती हूँ, और यह मोबाइल हमें मेरे प्रधानाचार्य महोदय जी द्वारा मुझे पढ़ने के लिए पढ़ने में सहायक हो इसलिए दिया गया है। वो हमारे लिए हर वक्त हमें मोटिवेशन करते रहते हैं, वो हमें पढ़ने में कि क्या आगे कैरियर के बारे में क्या करना है वो बताते रहते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उन जैसे टीचर प्रधानाचार्य और ऐसा स्टाफ मिला है कि वो हमें अपने कैरियर तक पहुँचने के लिए हमें एक रास्ता दिखाते हैं। वहीं मोबाइल फोन वितरण समय पर पहुँचे शिक्षा उपनिदेशक दिलवरजीत चंद्र ने प्रधानाचार्य देवेंद्र ठाकुर के इस काम की सराहना की है। उन्होंने अन्य अध्यापकों से भी आग्रह किया है कि सभी अध्यापक मिलकर इस तरह के छात्रों को मदद करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र ठाकुर ने एक पुस्तक भी लिखी है जो छात्रों के लिए आगामी करियर बनाने के लिए बेहतर जानकारी मुहैया करवा रही है, उसका भी आज विमोचन किया गया है। ने कहा था कि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं नीडी जिनको ये मोबाइल प्रोवाइड कराएंगे, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इनकी तरफ से आज यहाँ रहा। इन्होंने 6 ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ था जो हर घर पाठशाला की जो पढ़ाई थी उन बच्चों की मोबाइल ना होने की वजह से उसमें कमी आ रही थी, तो उन बच्चों को इन्होंने मोबाइल आज प्रोवाइड किए हैं। और एक इनकी अपनी लिखी हुई एक पुस्तक है उसका भी विमोचन है उन्होंने, जो कि खास करके बच्चों के लिए, बड़े बच्चे जो हैं आने वाली जो उनका फ्यूचर है उसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी लाभदायक उनके लिए है। तो इस कार्यक्रम में, इस टूर में ये भी चीज़ ऐड हो गई और मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला।